क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि गलती से आपने अपने हाथों से मतलब ऐसे ही मतलब मोबाइल फोन को पानी में गिरा दिया हो, तो उसके बाद तो मतलब हर कोई टेंशन में आ जाता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, कितना महंगा यार फोन था, मतलब मैंने ऐसे ही मतलब पानी में गिरा दिया, तो मतलब इससे बहुत ज्यादा मतलब ट्रेस आ जाता है कि यार मतलब क्या करें अब। बट अब आपको इसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे से जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो आप जो राइस होता है मतलब कि जो नॉर्मली हमारे घर में या फिर मतलब दुकान में कहीं मिल जाता है चावल जो होता है, उसको मतलब आप उसमें 24 से 36 घंटों तक अपने मोबाइल को उसमें डुबो के रखोगे, तो वो मतलब अंदर जितना भी पानी होगा आपके मोबाइल के अंदर वो जो राइस है उसको एब्जॉर्व कर लेगा, और आपका जो मोबाइल है वो मतलब पहले जैसे टनाटन चलने लगेगा। बहुत ही अमेजिंग सा ट्रिक है, आजमा के ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 5, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने दांत हैं तो आप क्या कहोगे कि 32, राइट? बट वैसे देखे तो सबके 32 दांत नहीं होते, कई लोगों के 27 या फिर 28 ही होते हैं। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स में देखें तो जो घोड़ा होता है उसके 40 से 45 तक दांत होते हैं, और जो डॉल्फिन होती है उसके एटलीस्ट 250 प्लस दांत होते हैं। बट इस दुनिया में एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसके मतलब 250 या फिर 500 नहीं होते बल्कि 25,000 प्लस दांत पाए जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, जो स्नेल होता है वही जो पानी में रहता है उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखने से इतने सारे दांत दिखाई देने लगते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में। फैक्ट नंबर 4, अब आपने जो पेंसिल जो होता है उसको यूज तो जरूर किया होगा, और यूज करने के बाद वो खत्म भी हो जाता है तो आपने बाजार में से खरीदा भी होगा, एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन उस शॉपकीपर ने भी आपको पेंसिल दे दिया होगा। बट इस दुनिया में एक ऐसा पेंसिल शॉप भी है जो कि 1000 ऑफ पेंसिल से घिरा हुआ है। ये शॉप ईरान में मौजूद है, और वहाँ की खास बात यह है कि उस शॉप के जो ऑनर है मिस्टर मोहम्मद रफ़ी, उनको ये पता है कि कौन सा पेंसिल कौन सी जगह पर रखा हुआ है। अगर आप वहाँ पर जाके कहोगे कि मेरे को ये वाली पेंसिल चाहिए, तो वो विदाउट एनी थिंकिंग वो आपको अपनी मनचाही पेंसिल ऐसे ही दे देंगे कि लो ये तुम्हारी पेन। वाव। फैक्ट नंबर 3, हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसा जाता है कि हमको न चाहते हुए भी मतलब ऐसे ही हंसी आ जाती है, हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। मतलब होता कुछ ऐसा है कि हमें कुछ ऐसा फनी सीन या फिर कुछ फनी मोमेंट्स याद आ जाते हैं जिससे मतलब हम हंस पड़ते हैं ऐसे ही। अब आपके साथ भी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए उसको रोकने के लिए, तो आप जो अपना शरीर है उसमें मतलब चोटी कहीं भी आप नूच सकते हो ऐसे ऐसे करके, तो इससे आपकी जो हंसी है वो इमिडिएटली बंद हो जाएगी ऐसा करने से। फैक्ट नंबर 2, मशरूम जो होता है वही जो छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है बड़ी की साइज़ का, उसको तो मतलब देखा ही होगा आपने शायद से। बट मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा मशरूम भी पाया जाता है जो कि रात के समय में चमकता रहता है। जी आपने सही सुना, रात में चमकता रहता है। इसका नाम बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा दिख रहा है। ये वो मशरूम है जो कि रात में बहुत ही अमेजिंग से तरीके से ये ग्लो होता है, और उसके फुटेजेस भी आप यहाँ पर देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है। मतलब ऐसा कुछ लगता है कि हम एक नई ही दुनिया में आ गए ऐसा कुछ लगता है, जैसे कि परीलोक में आ गए, बालवीर में देखा है ना उसे। मतलब सोच रहे हो कि हमारा नेचर कितना कॉम्प्लेक्स है, इट्स रियली रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, गाँव। ये एक ऐसा शब्द है जो कि सुनते हमें गाय बकरियाँ और खेतों में लहराती हुई फसल याद आती है, बट जापान का एक गाँव है जहाँ पर ये सब कुछ मतलब है ही नहीं। अगर इस गाँव में कोई आकर देखेगा तो उसे सिर्फ खाली घर ही नहीं दिखेंगे बल्कि उससे दिखेगी कई सारी गुड़िया। जापान के इस पहाड़ी गांव में पहले 300 लोग रहा करते थे, बट अब उनकी जगह इन कई सारी गुड़ियों ने ले लिए। जापान में सिकोगु टापू पर नागोरो नाम का एक गांव है जिसमें सिर्फ 27 लोग ही रहते हैं। आप जान के चौंक जाएंगे कि वहां पर बच्चे ही नहीं बचे। वहां बेहद कम पॉपुलेशन होने की वजह से इस गाँव के लोगों को काफ़ी अकेलापन महसूस होता था, जिसके बाद एक बुजुर्ग महिला ने उनका अकेलापन दूर करने के लिए बेहद खास आइडिया निकाला, और 69 साल की सुकीमी अयानू ने पूरे गांव में आदमियों की तरह दिखने वाले 270 पुतले रखवा दिए। और शायद से पता नहीं क्यों बट तभी से ये परंपरा चलती आई, और वहां पर आप देखोगे कि मतलब सभी जगह मतलब पूरी आप देखोगे वहां पर सारी जगह पर आपको पुतले पुतले ही नज़र आएंगे, जैसा कि आप इन इमेज में देख सकते हो, और शायद से इसी वजह से ही इसे पुतलों का गाँव कहा जाता है। मतलब अब मुझे पता है कि ये वीडियो तुम्हें बहुत 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 पसंद आ गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और मेनली थिंक दैट यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मेरी अगली वीडियो आने तक आप इन दो वीडियो को भी देख सकते हो, बहुत ही मस्त वीडियो है।